ब्रह्म या पर तत्व अंशी श्याम ही है प्यारे। ब्रह्म या पर तत्व अंशी श्याम ही है प्यारे, श्याम ही है प्यारे। पर तत्व एक शब्द है, बदन्ति तत्त्व विदस तत्त्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। पर तत्व माने जिससे परे और कुछ न हो, परमम परस्तात वेद कहता है, वो सबसे परे से भी परे हो, उससे परे कुछ न हो। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जिससे परे और कुछ न हो, जिसको सुप्रीम पावर कहते हैं उसी को पर तत्व कहते हैं। सब उसके अंडर में, उसके आगे कुछ नहीं, सबके कारण होते हैं। पृथ्वी का कारण जल, जल का तेज, तेज का वायु, वायु का आकाश, इस प्रकार एक एक के कारण होते हैं। इन सब का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण भगवान, भगवान का कारण कुछ नहीं। सब का आधार होता है, भगवान का कोई आधार नहीं। सबके बाप होते हैं, भगवान का बाप कोई नहीं। सबका रीजन होता है, कारण होता है, भगवान का कोई कारण नहीं। सर्व कारण कारणम, सब कारणों का वो कारण है, वो करणाधिपाधिपा वेद कहता है। उससे आगे और कुछ नहीं, सब उसके अधीन है। समस्त जीव, समस्त प्रकृति, वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, कोई हो, सब उसके अंडर में है। तो वो पर तत्व है, उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी को अंशी कहते हैं, आनंद कहते हैं। वही असली आनंद है। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, उन्हीं के सब अंश हैं। इसीलिए गीता में कहा ममैवांशो, एव लगा दिया, मेरे ही अंश हैं सब के सब। वो चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र कोई हो, और चाहे कुत्ते, बिल्ली, गधे हो, सब के सब उसके अंश हैं। दो प्रकार के अंश होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। स्वांश, विभिन्नांश। स्वांश माने उनके अपने, स्व माने अपने, और विभिन्नांश माने अलग। तो स्वांश में वे लोग हैं जो सब भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और तमाम गोपियां, तमाम संत महात्मा जो गोलोक में भगवान से अभिन्न हैं। लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, अनिरुद्ध हैं, प्रद्युम्न हैं, बलराम हैं, ये सब स्वांश हैं। स्वांश माने जो सदा से भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। भगवान की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो समस्त महापुरुष तो स्वरूप शक्ति के अंडर में हैं, और जो स्वांश हैं वो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। सारे भगवान, जितने भगवान के अभिन्न अंश हैं स्वांश। और विभिन्न अंश कौन है? वो दो प्रकार के हैं। एक तो नित्य मुक्त, अनादि मुक्त, और एक अनादि बद्ध। दो प्रकार के जीव हैं, ये तटस्था शक्ति के अंश हैं। यानी सदा से महापुरुष थे,
कभी माया नहीं लगी थी उनको, एक तो ऐसे स्वान जीव हैं विभिन्नांश, और एक ऐसे जीव हैं जैसे हम लोग अनादिकाल से मायाबद्ध हैं, लेकिन अगर हम साधना करके और लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में पहुंच जाएं, फिर हम भी भगवान के लोक में उन्हीं स्वांश के साथ हो जाएंगे। लेकिन स्वांश होंगे नहीं, हम रहेंगे विभिन्नांश। तो विभिन्नांश माने अनादिकाल से जो मायाबद्ध जीव हैं, और मुक्त आत्माएं अनादिकाल से वो भी विभिन्नांश हैं, लेकिन वो मायाबद्ध कभी नहीं थी ना आगे होंगी। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के जीव हैं, स्वांश विभिन्नांश, ये सब के सब जीव श्री कृष्ण के अंश हैं। कोई स्वरूप शक्ति के अंश हैं, कोई तटस्था शक्ति के अंश हैं। तटस्था शक्ति के अंशों पर माया हावी है, वो माया के अनुसार चलते हैं, और जो स्वांश हैं वो योग माया के द्वारा चलते हैं। ये दो शब्द हैं, माया योग माया। हम लोग माया के अंडर में हैं, इसलिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अंडर में होके काम करते हैं। भगवान और महापुरुष ये योग माया से काम करते हैं, यानी माया का काम करेंगे लेकिन माया से परे रहेंगे। ये योग माया का चमत्कार है, योग रहे अपनी पर्सनैलिटी में और माया का कार्य करे, वो योग माया। और त्रिगुणात्मिका जो माया है ये बंधन कारक है, अज्ञानी जीव के साथ संबद्ध है। तो ब्रह्म या पर तत्व अंशी श्याम ही है प्यारे, ब्रह्म या पर तत्व अंशी श्याम ही है प्यारे, श्याम ही है प्यारे। तो जग चराचर जीव याते श्याम सेवक प्यारे, जग चराचर जीव याते श्याम सेवक प्यारे, श्याम सेवक प्यारे। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने परिभाषा की, जीव किसे कहते हैं। उन्होंने कहा जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, श्री कृष्ण का नित्य दास, नित्य दास, एक दिन हुआ ऐसा नहीं, वो नित्य दास है। वो नहीं मान रहा है तो दंड भोग रहा है, 84 लाख में घूम रहा है। अगर मान ले तो झगड़ा खत्म, श्री कृष्ण का तो पहले भी है, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो वो नित्य दास, ये समस्त चराचर, चर माने चलने वाले मनुष्य पशु पक्षी, अचर माने वृक्ष वगैरह, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भी देवी धाम वाले हैं, यानी माया धाम वाले हैं, मायाबद्ध एरिया ब्रह्मलोक तक है, ये सब के सब चराचर भगवान के दास हैं। और जो माया से परे हैं, गोलोक में, वैकुंठ लोक में, शिवलोक में, दुर्गा लोक में, ये सब भी भगवान के दास हैं। स्वामी एक है, शेष सब दास हैं। दो स्वामी नहीं हुआ करते, दास भूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम, सब दास हैं।
अब दास अपने को दास मान ले, बस काम बन गया, और कुछ करना धरना नहीं है, मान लेना है। सेवक का धर्म क्या, दास का धर्म क्या, सेवा करना। इसी पॉइंट पर सब लोग ध्यान दो, दास माने सेवा करना। सेवा करना के मतलब स्वामी को सुख देना। स्वामी को सुख देने का मतलब क्या, अपना सुख न चाहना। बस यहीं पर गाड़ी रुकी है सबकी। स्वामी की सेवा करना अपने मन के अनुसार नहीं, स्वामी के मन के अनुसार। हम संसार में भी जो ये गोबर गणेश की सर्विस करते हैं, तो जो हमारा मालिक कहता है ए चाय लाओ, दौड़ के चाय लाए, ए वो फाइल लाना, दौड़ के हम लाए फाइलों। यानी स्वामी की इच्छा के अनुसार काम करना, ये दास का धर्म है। और फाइल मंगा रहा है स्वामी, और हम कहें रसगुल्ला खा लो, सो फाइल वाइल क्या करोगे, तो वो निकाल देगा साहब उस नौकर को कि बेवकूफ, मैं कुछ कहता हूं तू कुछ करता है। तो दास का धर्म है सेवा करना, बस स्वामी की इच्छा के अनुसार सेवा करना। अपनी इच्छा किया वो सेवा नहीं, वो तो अपनी सेवा हो गई अपने सुख के लिए। इसी प्रकार शिष्ट गुरु का भी संबंध है जैसे भक्त भगवान का होता है। अब गुरु कहता है ये सेवा करो, शिष्य कहता है नहीं हम तो खाना बनाएंगे, तो कितने आदमी खाना बनाओगे हमारा, ये 1000 आदमी तुम सब लोग खाने बनाओगे। अरे वो खाना तो 1-2 आदमी बनाएगा। सेवा का मतलब स्वामी को सुख देना, और स्वामी को सुख जिससे मिले। प्यास लगी है गुरु को पानी पिलाओ, रसगुल्ला नहीं खिलाओ, वो जिससे उसको सुख मिले वो करना, ये दास का धर्म है। अपनी बुद्धि न लगाना, क्योंकि बुद्धि को तो शरणागत कर दिया आपने। मैं ये वो मना आधत् सो मई बुद्धि निवेश है, शरणागति तो बुद्धि की करना है। बुद्धि ने तो अनंत जन्म हमारे बिगाड़े, अपनी बुद्धि से काम किया हमने हमेशा, अपने मन से काम किया। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से मन बुद्धि हमको दे दे, तो अपनी बुद्धि लगाना बंद हो जाएगा। अब छुट्टी मिलेगी, बुद्धि लगाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, टेंशन होता है मनुष्य को। और जब हमारे सामने बुद्धिदाता बैठा है तो फिर क्या जरूरत है बुद्धि लगाने की। तो दास का धर्म केवल दासता करना, सेवा करना। और सेवा करने का मतलब जिससे स्वामी को सुख मिले, जिससे स्वामी को सुख मिले रट लो, भगवत प्राप्ति तक काम देगा है। यही तो गड़बड़ हो रही है। अपने को सुख मिले रसगुल्ला खा लीजिए गुरु जी, है रसगुल्ला नहीं खाते, हमारी बात आप कभी नहीं मानते, तो तुम्हारी आज्ञा माना करें हम। अरे तुमको हमारी आज्ञा मानना है हा? और फिर एक चौपाई बोल देंगे, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो सेवक की इच्छा रखते हैं। अच्छा तो कितने रसगुल्ले खाऊं, 2 खा लीजिए, 2 खाया, दूसरा आया, 2 आपने उसका खाया है, 2 हमारा खाइए, तीसरा आया, ये क्या हो रहा है भाई, ये सेवा हो रही है। हम लोगों को सुख मिल रहा है जब आप खा रहे हैं तो, अरे तुमको सुख मिल रहा है, हमारा तो तुम सब गड़बड़ हो जाएगा शरीर। अरे हो जाए उसको, आप भोगिए, इससे हमसे क्या मतलब, हमको तो सुख मिल रहा है।
ये सेवा है बड़े बड़े बुद्धिमानों की। आप लोग जो यहां बैठे हैं बड़े बड़े काबिल, वो ऐसे ही करते हैं। बाद में भले ही सोचें कि हाँ हमने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार चलाना स्वामी को, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। हमको उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, उनको सुख देना है, ये दास का धर्म है। तो धर्म सेवक है इहै बस श्याम सेवा प्यारे, धर्म सेवक इहै बस श्याम सेवा प्यारे, श्याम सेवा प्यारे। अब कारण बता रहा है, ये हम उनके अंश हैं, उनके दास हैं, नित्य दास आप बता रहे हैं। ये गड़बड़ कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई कि हम संसार की ओर भाग रहे हैं, संसारी सुख चाह रहे हैं, और मेन पॉइंट ये कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं, शरीर है। कितनी बीमारी मोड़ ले ली हमने। हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम नेपाली हैं, ये क्या होता है जी, ये जगह के नाम है, जगह के नाम है। अच्छा, अगर तुम नेपाल में एक साल रहे, फिर एक साल कलकत्ता में आ गए, तो तुम कलकत्ती हो गए। अरे जगह से क्या मतलब है, तुम कौन हो? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये तो सब शरीर की उपाधियां हैं। तुम कौन हो नहीं जानते, किसी से पूछो आपकी तारीफ, सब उल्टा पुल्टा जवाब देगा। आप कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अरे ये सब तो शरीर का हिसाब किताब है। तुम कौन हो? तो ये तुम को जो हम भूल गए, ये क्यों भूले, कब भूले, सारी गड़बड़ तो इसी से हो गई। राधे राधे श्री राधे, राधे राधे।